हम दर्शकों को बता दें कि शॉपिंग तो बहुत बढ़िया लगती ही है, लेकिन साथ में ढेर सारी मिठाइयाँ खाने का भी बहाना होता है। बदलते वक्त के साथ कुछ मीठा हो जाने का अंदाज भी बदल गया है। अब मिठाई का मतलब चॉकलेट खाना है हमारी यंग जनरेशन के लिए। कैसे मिठाई के सारे मायने बदल गए हैं वो समझिए। तो हम हैं मुंबई के पलेडियम में और आप हैं मेरे साथ पलेडियम के फूड हॉल में। यहाँ आते ही मेरे मुंह में थोड़ा पानी सा आ गया था। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये आप भी जान लोगे जब आप मेरे साथ यहाँ आओगे। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की इम्पोर्टेड और इंडियन चॉकलेट्स और मिठाइयाँ मिलेंगी। इनके यूनिक गिफ्ट हैम्पर्स इनको एक अलग स्टाइल और लुक देते हैं। कस्टमर्स अपने हिसाब से भी इन गिफ्ट हैम्पर्स में जाने वाली चीजों का सिलेक्शन कर सकते हैं। इनकी प्राइस रेंज 2000 से लेकर करीब 7-8 हजार तक होती है। ये जो काउंटर है वो मेरा एब्सोल्युटली फेवरेट काउंटर है, क्योंकि मिठाइयाँ और स्वीट्स तो मेरे एब्सोल्युट फेवरेट है। यहाँ पर आपको मिलेगी काजू बर्फी से लेकर रसगुल्ला तक और संदेश से लेकर मिश्री दही तक। लेकिन आप यहाँ पर आओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है मुझे, क्योंकि काफी डिलिशियस और यमी लग रही है, लेकिन ये क्या है मैं नहीं जानता। पूछ लेते हैं यहाँ के इंचार्ज से। बड़ी लुक्स वेरी नाइस, टेस्टी, टेम्पटिंग, ये है क्या? एग्जैक्टली बेसिकली ये जो मिडल ईस्ट स्वीट्स, जो मिडल ईस्ट स्वीट्स है, यहाँ जो फेमस कंट्री होते हैं मिडल ईस्ट, टर्की, लेबनान, जॉर्डन, वहाँ से इम्पोर्ट किया हुआ है ये वो स्पेशलिटी स्वीट्स का। तो आप देख रहे हो इट इज़ नॉट ओनली एन इंडियन दिवाली, लेबनीज टर्किश दिवाली भी हो रही है। What's so different about these sweets? ये जो है मतलब नॉर्मल जो स्वीट्स होती है इंडियन स्वीट्स से काफ़ी हेल्दियर होती है, और इसका जो सेल्फ लाइफ भी जो और बाकी स्वीट्स से ज़्यादा होता है, इसलिए। हेल्दियर इन व्हाट वेज? हेल्दियर मीन्स इसमें जो शॉपिंग वगैरह जो होती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होती है, वो बॉडी के लिए हेल्दियर होती है, तो दूसरे स्वीट्स से ज़्यादा हेल्दियर है इसका स्पेशल। अगर आप थोड़ा यहाँ पर जूम करके देखोगे तो जितनी हेल्दी इसकी फूड क्वालिटी है उतनी हेल्दी शायद उसकी प्राइस की क्वालिटी है। व्हाट्स द रीजन कि ये इतना एक्सपेंसिव? तो इसलिए है कि जो इसमें जो ऑथेंटिक चीज़ जो यूज़ की है, लेस ऑफ घी और शुगर और मोर ऑफ हनी और ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स हनी यूज़ किया है इसलिए इसको थोड़ा महंगा है। आप एक कोई टेस्ट करना चाहोगे? ये देखो इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया, मैं इसको अवॉइड तो नहीं करूंगा। लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ इट इज़। तो इन्होंने इतने बड़े दिल से मुझे एक छोटा सा पीस ट्राई करने, देखते हैं क्या है, कैसे टेस्ट होता है। Fabulous. आप जलेबी खरीदना बंद कीजिए, इट्स टाइम टू स्विच टू कुनाफा। ये छोटी छोटी पेस्ट्रीज और केक्स छोटे बच्चों और खास तौर पर चॉकलेट क्रेजी लड़कियों के लिए बनाई गई हैं। तो क्या आपके मुंह में पानी आया? नहीं आया, और मैंने तो काफी कोशिश की कि आपके मुंह में थोड़ा पानी लाओ। दिवाली का फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में अगर मिठाइयों के लिए मुंह में पानी ना आए तो फिर आप मिठाई खरीदोगे कैसे? पर आपसे बात करते करते मेरा शॉपिंग का टाइम निकला जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अब मिठाई की शॉपिंग मैं भी कर लूँ। तब तक के लिए रोनल्ड जी मीडिया मुंबई।